नमस्कार, हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज का हमारा विषय है, जैसे कि प्यार में धोखा जैसे काफ़ी लोगों को मिलता है, चाहे वो लड़कियां हों या चाहे लड़के हों, ठीक है। आफ्टर मैरिज के बाद में भी धोखा मिल जाता है, लोगों को चीटिंग हो जाती है। ऐसी कौन सी रेखाएं रहती हैं, किससे हम पहचान सकते हैं कि हमें प्यार में धोखा मिलेगा, कि रिलेशन जो आपका है वो लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा, ठीक है। तो हथेली देख करके आप लोग पहचान सकते हैं। तो चलिए आज का विषय स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ रेखाएं ऐसी भी रहती हैं हथेली पर, वीडियो देख करके तो आप लोग देख लेते हैं, बट लेकिन आप लोग फिर कहते हो कि हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा या ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो हथेली, सबकी हथेली अलग अलग होती है, और भी रेखाएं उसमें एनालिसिस करना पड़ता है डीपली। तो जो लोग भी अपने हैंड का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, हैंड एनालिसिस फीस मेरी 500 रुपये है। आपको अपना लेफ्ट हैंड राइट हैंड के हाथ का फोटो व्हाट्सअप में भेजना पड़ेगा, ठीक है। अपॉइंटमेंट नंबर यहाँ पर फ्लैश हो रहा है, 9120101, इसी नंबर पे आपको डिटेल भेजना पड़ेगा। फिर उसके बाद मैं एनालिसिस करके आपको बता पाऊँगी। हमारे यहाँ पेड सर्विस है, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस नहीं है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है। चलिए आज के विषय स्टार्ट करती हूँ। ऐसी कौन सी रेखाएँ होती हैं जिनसे आप लोग हाथ देख करके पहचान सके, और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा वीडियो आप लोग देखा करिए, ठीक है। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, आगे देखते हैं। ये हमारी देखिए माइंड लाइन होती है, और ये लाइफ लाइन होती है, ठीक है, जीवन रेखा होती है, और ये हृदय रेखा होती है, ठीक है। प्यार में धोखा मिलेगा, ये कैसे पहचाने कि हमें, हम जिस भी बंदे से प्यार कर रहे हैं, लव करते हैं, तो वो बंदा हमारे साथ चीट तो नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हमारा जो पोर्शन होता है, ये मैरिज का पोर्शन होता है और अफेयर का भी पोर्शन होता है, ठीक है। तो यहीं से देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये हार्ट लाइन जाती है यहाँ से, ठीक है। हार्ट लाइन के साथ साथ अगर आपके यहाँ पर मैरिज लाइन के पास यहाँ पे ऐसे रेखाएं निकल रही है, एक ड्रॉ करके बताना चाहूँगी, ऐसे थोड़ी सी नीचे फोर्क टाइप से ऐसे निकल रही है कोई रेखा, ऐसे हो रही है, ठीक है। मैं थोड़ा डार्क ड्रॉ करके आपको दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। ऐसे ये फोर्क का जो एरिया यहाँ पर दिख रहा है आपको, पीछे से वाई की आकृति का दिख रहा है, ठीक है। अगर ऐसा क्लियर कट देखने को मिल रहा है तो समझ लीजिए जो बंदा है वो आपको चीट करेगा, ठीक है, आपके साथ चीट करेगा, धोखा करेगा, ठीक है। ऐसे मामले में लोगों के पैसे भी चले जाते हैं, ठीक है, ऐसा भी रहता है, और फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा हर्ट होती हैं। तो ये एक रेखा होती है जिससे आप पहचान सकते हैं कि आपको लाइफ में धोखा मिलेगा किसी पार्टनर से, जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में, ठीक है। दूसरी रेखा ये होती है कि यहीं पर छोटी छोटी रेखाएं ऐसे निकल रही हैं नीचे से, ऐसी रेखाएं भी देखने को मिल रही हैं, तो भी जो है धोखा मिलता है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा चीटिंग होती है लोगों के साथ, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर एक रेखा एक और शो करती है, इंडिकेट करती है, ये रेखा आपकी ऐसे निकल के ऐसे टूट रही हो, यहाँ पर मैरिज लाइन ऐसे बीच से टूट गई हो, ठीक है। और टूटने के साथ साथ यहाँ पर एक रेखा ऊपर से ऐसे निकल रही है, सीधी नहीं है ये रेखा, ये जो पिंक कलर की जो रेखा आप देख रहे हैं सीधी नहीं है, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है, थोड़ी सी लहरदार है, ठीक है। ऐसी रेखा भी देखने को मिल रही है, तो समझ लीजिए कि आपके साथ धोखा होने वाला है लाइफ में, ठीक है, ऐसा है। एक ये रेखाएँ होती हैं जो धोखे के लिए संकेत देती हैं। दूसरी रेखा यहाँ पर, ये जो जीवन रेखा है यहाँ पर, ये जीवन रेखा गई, जीवन रेखा से ही एक मंगल की रेखा निकलती है, यहाँ पर मंगल की रेखा निकलेगी अंदर से, और मंगल की रेखा पूरी अगर क्लियर कट गई है, अगर मंगल की रेखा, यही मंगल की रेखा पूरी ऐसे गई है, तो समझ लीजिए रिलेशनशिप आपका लॉन्ग टर्म के लिए है, और आपको धोखा नहीं मिलेगा, चीट नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर यही रेखा अगर आपके ऐसे निकल के एक बगल से निकल रही होती है, या आपकी रेखा एक ऐसे निकल रही है, ठीक है, या फिर यही रेखा आप ऐसे निकल रही है, तो भी आपके साथ चीटिंग होगी, फ्रॉड होगा आपके साथ, जो भी बंदे के साथ रिलेशनशिप में है, वो बंदी हो या बंदा हो, आपको चीट करेगा, ठीक है। दूसरी बात, यही रेखाएँ अगर ऐसे ऐसे टूट रही हैं, ठीक है, नीचे से ऐसे बारीक बारीक से टूटती हैं ये रेखाएँ, दिखाना चाहूँगी मैं,
ऐसी एक सपोर्टिव लाइन निकल रही, फिर ऐसे ऐसे टूट रही है, ठीक है। और टूटने के साथ साथ यहाँ पर कुछ रेखाएं ऐसे ऐसे काट भी रही हैं, ठीक है। कुछ रेखाएं ऐसे ऐसे काट रही हैं काफ़ी ज़्यादा, समझ लीजिए काफ़ी ज़्यादा निगेटिव रेखाएं होती हैं जो कि राहु के क्रॉस कर रही हैं, राहु पर्वत को भी क्रॉस कर रही हैं, जो कि अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। और काफ़ी सारे लोगों के साथ चीट हो जाता है, ठीक है। अधिक से ज़्यादा कम एज की उम्र में ही लोगों के साथ चीटिंग होता है, अप्रोक्स 22 से लेकर के 25 के बीच में ही ऐसे लोगों के बीच में चीटिंग होता है, ठीक है। तो ये राहु की रेखाएं जितनी ज़्यादा करीब रहेंगी उतना ज़्यादा फ्रॉड होता है, फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं। अगर ये क्लियर कट रेखाएं तो आपके साथ फ्रॉड नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर आपके यहीं पर मैरिज लाइन यहाँ पर है, यह हार्ट लाइन हो गई, ठीक है, और यहीं पर हार्ट लाइन ये आपकी मैरिज लाइन गई हुई है, और मैरिज लाइन के ठीक नीचे अगर क्रॉस का साइन अगर देखने को मिल रहा है छोटा सा, ठीक है, मैं ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगी। ऐसे अगर क्रॉस का साइन अगर छोटा सा बन रहा है, ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि क्रॉस का साइन यहाँ पर जो है ऐसे बनता है। ये मैरिज लाइन है और क्रॉस का साइन इसी के ऊपर ही बन जाता है ऐसे, ठीक है। तो क्रॉस का साइन अगर बनता है तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। ये भी अफेयर के संकेत शो ऑफ करता है कि अफेयर के साथ साथ आपका यहाँ पर धोखे भी मिलेंगे ऐसा, ठीक है। तो ये भी इंडिकेट मिलता है, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने बताना चाहा आप लोगों को, ठीक है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो आप लोग पूरा देखा करिए, वीडियो को आप लोग लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। जो लोग भी अपने हैंड का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है अपने रिलेशनशिप को लेकर के, कोई भी प्रॉब्लम्स चल रही है, ठीक है, तो आप लोग डिटेल वगैरह आप लोग वो हैंड एनालिसिस करवा सकते हैं। जो लोग कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो कुंडली का भी डिटेल आप सेंड करवा के व्हाट्सएप पे आप लोग अपना विश्लेषण करवा सकते हैं, ठीक है। नमस्कार, राधे राधे। अपॉइंटमेंट नंबर यहाँ पर शो ऑफ हो रहा है, आप लोग कॉल कर सकते हैं। राधे राधे।